तो जी आज है वेडनेसडे 8 फरवरी और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:15। 6 बजे हमने निकलना था। कहाँ जा रहा हूँ अभी बताता हूँ। 6 बजे हमने निकलना था लेकिन 6:15 हो चुके हैं। मैं रात को इतनी लेट हो गया था, नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो उठना 4 बजे था, 5:15 बजे उठा, तो इसलिए लेट हो गए। 6:15 हो गए हैं। 6:30 बजे तक इमरान भाई मेरे घर आ जाएंगे। यहाँ से हम फिर इकट्ठे निकलेंगे। निकल रहे हैं हम चोलिस्तान जीप रैली के लिए। आज हम लाहौर से निकलेंगे तो हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो मुल्तान है। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स वहाँ जाते हुए तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन हम लोग अपनी ब्रेक्स बीच में डाल लें और एक दो छोटे मोटे स्टे डाल लें तो मेरे हिसाब से 12 घंटे लग जाएंगे, 12-13 घंटे। तो खैर अभी बस निकलते हैं। थोड़ी बहुत ही तैयारी आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है। ये लैपटॉप बैग है, लैपटॉप बैग के अंदर जो है मैंने सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। मेरे पास साइड सैडल बैग्स थे लेकिन मैं उनकी टेंशन में नहीं पड़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे कई जगहों पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बाइक को पार्क करना है। साथ में बाइकिंग जैकेट, एल्बो पैड्स, नी पैड्स लेते हैं वो। उसके अलावा ये छोटा बैग जिसके अंदर मेरे सारे रेडी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें लाइसेंस, CNIC और इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब जो रेडी चाहिए हर वक्त। और इसके अलावा एक कैंप, क्योंकि चोलिस्तान के अंदर कैंप ही करना पड़ेगा, तो लेट्स सी अपना कैंप लगाना पड़ेगा या वहाँ भी मिल जाएगा, जो भी सीन होगा। अभी टाइम बहुत हो चुका है, अभी निकलते हैं। बस मैं जूते पहनता हूँ, उसके बाद हम बाइक चल के सामान सामून लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रास्ते में से फ्यूलिंग करानी है, बहुत लेट हुए हैं भाई। तैयारी हो चुकी है, बाइक के ऊपर सारा सामान लग चुका है, कैंप बैग मैंने बेंजी वायर्स के साथ बांधना था, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी पहन लेता हूँ, पता नहीं क्यों लेजी, इसलिए अभी बांधा नहीं है, अभी ऐसे ही पहन के चला जाऊँगा। और बाइक स्टार्ट है, 5-10 मिनट होने वाले हैं, इमरान भाई भी आने वाले हैं, बस फिर निकलते हैं। और फिर अगला स्टॉप जब भी जाकर मिडवे स्टॉप कोई भी होगा तो आपको मैं बाकी का प्लान बताऊँगा। आज का मुख्तसर प्लान ये है कि हमें लाहौर से निकलना है, मुल्तान जाना है, और उसके अंदर कोई 10-12 घंटे का सफ़र है। बीच में क्या करना है वो रास्ते में बताऊँगा। Wanna be, tell me everything, think it into being. That's how dreams become the real thing. A model of thinking, a bottle to sink in, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a cup of dollars from something I love. हमारा ये फर्स्ट मिडवे स्टॉप है, इस वक्त 8:30 हो रहे हैं। हमने घंटे की एवरेज रखी हुई, ये नहीं रखा हुआ कि किस जगह पे जाके स्टॉप करना है। एक घंटे के बाद, हर घंटे बाद उनसे ना छोटी ब्रेक, और 2-3 घंटे के बाद उनसे एक बड़ी ब्रेक लिया करेंगे। 2-3 घंटे का मतलब है हमने नाश्ते के लिए अब रुकना है, तो हम रुकेंगे तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब। अभी 8:30 हो रहे हैं, पहला मिडवे स्टॉप है, तकरीबन किलोमीटर्स डन है तकरीबन 64-65 लाहौर से निकले हुए, और एक्सपेक्टेड है कि हम लोग तकरीबन 11 बजे तक साहिवाल क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये सीन है, अभी यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे ज़रा चारपाई वगैरह थी, सामने उनसे चाय स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है, तो बस यहाँ से चाय शाय पियेंगे अब, और चाय शाय के साथ थोड़े से बिस्किट वगैरह खाएँगे, केक रस, और फिर निकलेंगे आगे। अभी तक बड़े मज़े का ट्रिप जा रहा है, एवरेज स्पीड हमने रखी है 60-80 के बीच में समवेयर, और उसके ऊपर हम लगाते हैं क्रूज और फिर सुकून से ऐसे टेक लगा के जाते हैं। तो जी हमारा मिडवे स्टॉप हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पत्तों की तकरीबन यहाँ से 10-1 मिनट दूर है, 9 बजने वाले हैं इस वक्त, और पत्तों की 10 मिनट दूर है, तो अगला स्टॉप इंशाल्लाह 10 बजे होगा, और वो होगा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप, क्योंकि हमें नाश्ता करना है, भूख बहुत लगी हुई, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो लेट्स लीव। Cash or cars, I need black guitars, I need plaques for art, yeah. I need shooting stars and a few more scars, maybe a few cigars, yeah. Time ho gaya 12:15, sorry, time ho gaya 10:15, naashte ke liye ruke hain.
10 बजे रुकना था पीछे कैंट चल रहा था ओकाड़ा, तो वहाँ पे कोई होटल मिल नहीं रहा था। यहाँ पे एक होटल मिला है, यहाँ पे हम रुके हैं। इस होटल का नाम है गौसिया होटल है ये। यहाँ से अंडा पराठा इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, कोई खासा फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा है। अंडा पराठा, आलू वाला पराठा, इस तरह की चीज़ें। यहाँ से नाश्ता नुश्ता करेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। कोई तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है साहिवाल का। साहिवाल पहुँचेंगे, साहिवाल से आगे फिर हमने जाना है हड़प्पा। हड़प्पा जाएंगे और फिर वहाँ किसी से खाऊंगे। अभी नाश्ता आता है, नाश्ता दिखाता हूँ। बाकी अभी तक का सफ़र बड़े मज़े का जा रहा है, स्लो एंड स्टेडी, बहुत सुकून से जा रहे हैं, 60-70-80 के बीच बीच में। और जो मेरी बाइक की स्पीडोमीटर के ऊपर शो हो रहा है कि 80 पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। गूगल मैप्स के ऊपर जो सर ना सही असल में स्पीड आ रही होती है, बाइक के स्पीडोमीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो गूगल मैप्स के हिसाब से 67-68-70 के करीब करीब जा रहा हूँ। तो जहाँ पे सीधा पैच आता है वहाँ पे क्रूज़, और पीछे टेक लगा के सुकून से मज़ेदार। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में हमने मंगवाया है अंडा पराठा, पराठा और साथ में फ्राई ऑमलेट, और साथ में एक आलू वाला पराठा है। वो आलू वाला पराठा अभी बन रहा है। ये सारे पराठे आ चुके हैं, ऑमलेट आ चुका है। अब खाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी से खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। Yeah, I want to change people's lives for a single night, so listen up, all right. Think of what you want while you dance to this. Your plans and shit, romance or biz, a chance to get whatever you could possibly dream of, could dream up. Think of anything that you need, want a car, a love, a life, a wife, that's right. Start thinking of everything you could need in life and visualize everything, all those dreams and sights. On while you sleep tonight and wake up ready to fight, yeah. The only what you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this life is with some passion. Don't let this life just pass you by, get up and take some action. Just tell me what you want, go take a thought and make it happen. तो इस वक्त हम हड़प्पा पहुंच चुके हुए हैं। हमारे साथ हम दो बंदे निकले थे, तीसरे बंदे ने हमें ज्वाइन करना था चीचावतनी में, लेकिन हमने उसको कहा कि भाई तुम भी हड़प्पा ही आ जाओ। हड़प्पा के अंदर हमने सारे कदीमा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पा देखने थे। अभी थोड़ी देर पहले हम म्यूज़ियम गए थे, वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जनता उस गाइड ने हमें करने दी। यहाँ पर अब हम हड़प्पा जो रिमेन्स हैं वो देखने जा रहे हैं। देखने के दो तरीके हैं, पीछे शटल सर्विस खड़ी है वो आपको लेके जा सकती है, लेकिन जैसे पिछली बार बताया था सुबह से बाइक चला रहे हैं तो इस वक्त चलने का दिल कर रहा है, तो अब हम चल के जाएंगे वहाँ पे। वो भी मैं दिखाता हूँ, उसकी थोड़ी सी जो भी हिस्ट्री होगी वो मैं आपको बताऊँगा, वो उधर ही जाकर बताता हूँ। भाई हड़प्पा जो है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और आर्कियोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड जो है ये मानते हैं कि तकरीबन कोई 8000 साल पुरानी कमोपेश है। तो 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन इतनी सिविलाइज्ड होगी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड होगी कि आप ये देखें, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको सीवरेज सिस्टम का निज़ाम नज़र आएगा। सीवरेज सिस्टम या निकासी का निज़ाम जो है 8000 साल पहले दरियाफ्त कर दिया गया था, और ये हड़प्पा के अंदर मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं यार, जिस वक्त किसी भी चीज़ को एक्सकेवेट करते हैं या कोई भी चीज़ दरियाफ्त करते हैं ना, तो वो जिधर भी उनको निशानदेही मिलती है वहाँ तक ही उसको खोदते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोदते, ताकि रिमेन्स डिस्ट्रॉय ना हो। और वैसे कोई भी आप यहाँ पे गांव देख लें, जैसे यही वाला देख लें, तो आपको साफ नज़र आएगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है, ब्लॉक्स की सूरत के अंदर है, और मतलब बेहतरीन है। और ये जो सा यार ये एक फैक्ट्री है, साइड पे चार बर्नर्स लगे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री को तकरीबन को 1300-1400 बंदा, यहाँ पे साइड पे लिखा भी हुआ था कि 1300-1400 बंदा इस फैक्ट्री के अंदर काम करता है। मेरेकुलस ये चीज़ लगती है कि 8000 साल पहले इतनी प्रॉपर टाउन प्लानिंग की जाती थी, जो कि अभी भी कई जगहों पर नहीं होती है। आप यहाँ पर देखें, ये बहुत बहुत बड़ी जगह है, ये स्कैटर्ड हैं सारे के सारे रिमेन्स। तो ये कुछ चौथी पांचवी जगह पे हम गए हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि आप डीप डाउन जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे जो साहब के पास आर्टिफैक्ट्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, सामने देखें तो एक कार्ट है जिसके अंदर साइड पे एक व्हील लगा हुआ है, मतलब 8000 साल पहले व्हील का कॉन्सेप्ट आ चुका होता है ट्रैवलिंग के लिए। ये पॉटरी वगैरह है, और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो सिलवट्टा भी पड़ा हुआ है जो अभी भी इस्तेमाल होता है
मतलब 8,000 साल पहले ये दरियाफ्त हो चुका था और अभी भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे शेल की बैंगल्स वगैरह बड़ी हुई हैं, हाथी के दांत की जो सी ज्वेलरी पड़ी हुई है, और मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी पड़ी हुई है। और यहाँ पे उन्होंने जो सा ना वो डिपिक्शन की हुई है, रिप्रेजेंटेशन की हुई है एक स्कल्पचर रख के किस तरह से उस वक्त ज्वेलरी को इस्तेमाल किया जाता था। और उसके अलावा जो सा ना यहाँ की लैंग्वेज, उनकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज आज तक कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सका। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ये देखें यहाँ पे सील्स वगैरह पड़ी हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। अभी हम हड़प्पा से फारिग हुए हैं, ये पीछे मेरे हड़प्पा है, और ये देखें ये बॉयज तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि पहले दो थे हम, मैं और इमरान भाई। इमरान भाई का आपको पता है ये 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 बॉय, ये अबूजर है, ये भी अब आ गया। ये जंग से आया तो हमें हमारा मीटिंग पॉइंट हड़प्पा में बना। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे मुल्तान के लिए, और अब मुल्तान जाके ही ब्रेक लगाएंगे। बीच में कहीं रुकेंगे तो आपको बताएंगे। और गुज़र गया तो बीच में कहीं रुकेंगे तो आपको बता दूंगा। बाकी अब हम मुल्तान के लिए निकल रहे हैं, तो उधर जाके देखते हैं। इमरान भाई मुझे प्रोटोकॉल पूरा देना है, एक बंदा आगे रहे, एक बंदा पीछे रहे। यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त, मतलब पसीना आ रहा है। ऊपर से मैंने अभी तक विंटर ग्लव्स ही पहने हुए हैं, वो भी नहीं उतारे, और हेलमेट में भी शदीद ही पसीना आ रहा है। लेकिन अभी बाइक चलेगी, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो भाई ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे जो सा है मुल्तान, खुशामदीद मुल्तान, मतलब मुल्तान हम पहुंच चुके हुए हैं। बस यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाइक्स खड़ी की थी, क्योंकि वैसे दिल कर रहा था इस एंट्रेंस के साथ तस्वीरें खींचने का, इसलिए हमने थोड़ी देर बाइक्स यहाँ पे खड़ी की थी। अब बस हम निकलेंगे यहाँ से और फिर हम घर जाके ही रुकेंगे। यार वहाँ जाके बताता हूँ घर क्या सीन है, क्या नहीं है, कैसे रुक रहे हैं। तो अब हम इस वक्त हैं मुल्तान में, इस वक्त हो रहे हैं 10:30, हम पहुंच गए थे 5:30, लेकिन उसके बाद फिर हम किसी के घर में आए तो हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे, खाना शाना खाना था, उसके अलावा बाहर से थोड़ी सी चीज़ें लेके आनी थी हमने जो कल ट्रिप के अंदर हमें चाहिए, वो सारा कुछ करते रहे। अब तकरीबन 10:30-11 बजने वाले हैं, और कल सुबह हमने फिर से जल्दी निकलना है। और कल का दिन ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि कल हमने चूलिस्तान जाना है, और कल इनिशियल ट्रायल्स हैं वो अटेंड करने हैं। तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी फैसिनेटिंग। पहला दिन हमेशा हर ट्रिप का जो है इसी तरह का बोरिंग किस्म का होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा करने को नहीं होता। मतलब नॉर्मली कोई भी बाइक ट्रिप, जो बड़ा बाइक ट्रिप होता है, उसके पहले दिन में आपने ज़्यादातर ट्रैवलिंग ही करनी होती है। तो जैसे आज हमने मुल्तान की ट्रैवलिंग करनी थी, तकरीबन कोई 10-11 घंटे लग गए, लेकिन सुकून से ट्रैवलिंग की, मज़ा आया। बीच में हड़प्पा देखा, आई होप यू लाइक इट, मुझे बड़ा मज़ा आया, इट वॉज़ अमेजिंग। आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, और कल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद एन एक्साइटिंग अमेजिंग चोलिस्तान जीप रैली व्लॉग। सी यू।